करनाल की नया नज मंडी में पोल्ट्री लाइव स्टॉक प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। इस प्रदर्शनी में 9, 10 व 11 अगस्त को देश के विभिन्न हिस्सों से आई विभिन्न कंपनियों द्वारा अपने स्टॉल लगाए गए और अपने प्रोडक्ट का प्रदर्शन किया गया। इस प्रदर्शनी में किसान लोगों ने जाकर रोजगार व पालतू पशुओं के पालन से संबंधित विषय पर लाभ प्राप्त किया। इस अवसर पर विभिन्न राज्यों से आए कंपनी के प्रतिनिधियों ने बताया कि ऐसी प्रदर्शनी लगाने का उद्देश्य लोगों को जागरूक करना है, जिसमें ऐसे उत्पाद तैयार किए गए हैं जो पॉलिथीन का विकल्प हैं और जीवन उपयोगी हैं। इस एग्जीबिशन में विभिन्न कंपनी द्वारा पशुओं के फीड व चारे से संबंधित वस्तुओं के स्टॉल लगाए गए और आए हुए किसानों को इसके बारे में जानकारी दी गई। इस प्रदर्शनी में करनाल जिले व आसपास के क्षेत्रों से लोगों ने पहुंचकर किसान मेले का फायदा उठाया और कृषि उपयोगी वस्तुएं खरीदकर आधुनिक कृषि की ओर बढ़ने की एक नई। ये पोल्ट्री और डेयरी के ऊपर ये मेला लगाया गया है। वैसे तो पूरे हरियाणा में पोल्ट्री का बहुत काम है, पर डिस्ट्रिक्ट करनाल इसके लिए खास पहचान रखता है, तो इसलिए करनाल को चुना गया है इसके लिए। और डेयरी के लिए भी हरियाणा नंबर वन पे है और करनाल में डेयरी के लिए डेयरी गाय और भैंसों का पालने का काम बहुत होता है, डेयरी बहुत है, और ये सबको ध्यान में रखते हुए करनाल को चुना गया और करनाल में ये इंटरनेशनल लेवल का बहुत बढ़िया मेला लगाया गया है। इस मेले में बहुत सारी कंपनियां पार्टिसिपेट कर रही हैं, जिससे डेयरी उद्योग को बढ़ावा देने के लिए और पोल्ट्री उद्योग को बढ़ावा देने में बहुत मदद मिलेगी। आपने क्या प्रदर्शन किया यहाँ पे? देखिए, ऐसा है कि हमारा जो प्रोडक्ट है ये फार्मर से रिलेटेड है, शहद है, वर्जन कोकोनट ऑयल है, बादाम रोगन है, ये सभी जो हैं किसानों के साथ संबंधित रखते हैं। मॉडर्न एग्रो भी जो खाद्य ग्राम उद्योग का यूनिट है ये भी बहुत बुलंदियाँ छू रहा है और शहद के काम में नंबर एक पर है, और इससे शहद उद्योग पालन से जो किसान भाई हैं उनकी आमदन बढ़ती है। भारत सरकार भी इस समय किसानों की आमदन दुगनी करने के पर्पज से बहुत सारी कार्यक्रम चला रही है। हमें उम्मीद है कि ये सभी कार्यक्रम से किसानों की आय बढ़ाने में मदद मिलेगी। अभी क्या प्रोजेक्ट प्रदर्शन किया आपने? हमने यहाँ पे बायोडिग्रेडेबल 100% फूड पैकेजिंग सप्लाई कर रहे हैं और हम मैन्युफैक्चरर भी हैं, एक्सपोर्टर भी हैं। क्या खासियत है हमारे खासियत है? इस प्रोडक्ट की एक तो एनवायरमेंट को सेव करता है, इको फ्रेंडली है और ह्यूमंस के लिए हेल्दी भी है, और फूड आइटम के लिए हम खाते हैं उसके अगर पैकेजिंग प्रॉपर नहीं है तो क्या होगा, हमारा प्रोडक्ट खराब हो जाएगा, उसको प्रिजर्व भी करता है। तो क्या कहना चाहेंगे हम लोगों को? हम लोगों को मैं ये कहना चाहूँगा कि जल्द से जल्द अपने को प्लास्टिक मुक्त करें और उससे उनकी हेल्थ भी बढ़िया होगी और वो एनवायरमेंट को भी सेव करेंगे। और अगर वो प्लास्टिक और सिंगल यूज प्लास्टिक शुरुआत में सिंगल यूज प्लास्टिक से करें, बाद में धीरे धीरे और भी प्लास्टिक आइटम्स हैं जैसे एल्यूमिनियम है उन आइटम्स को भी धीरे छोड़ें जो हेल्थ के लिए बहुत जरूरी है। मेरा नाम अपना मेरा नाम अरविंद चंदा है, कंपनी का नाम है प्लस क्रिएशन, राई में हमारा फैक्ट्री है। सर, एल्यूमिनियम फॉल और प्लास्टिक पैकेजिंग दोनों को इंडिया बैन हो रही है क्योंकि बहुत अनहेल्दी है और इसकी डेडली कॉन्सिक्वेंसेज है, तो उससे डेथ भी हो सकती है, अल्जीमर्स होती है भूलने की बीमारी और बोन्स हमारी हड्डियाँ वीक हो जाती है। इसके हमने ऑर्गेनिक लाबन पेपर बनाए हैं, दिस इज मेड अप ऑफ वर्जिन फूड ग्रेड पेपर, जिसमें हम अपना खाना पैक करके एज इट इज उसको माइक्रोवेव में डाल के रीहीट भी कर सकते हैं। इसके अलावा हमने पार्चमेंट पेपर है, इन सारे पेपर्स में डिफरेंट फूड ग्रेड कोटिंग्स हैं और ये सारे बायोडिग्रेडेबल है 100%। इसको आप ओवन में डाल के 220 डिग्री सेल्सियस तक इसको गर्म कर सकते हो, ये जलेगा नहीं और खाने में लीच नहीं होगा जैसे एल्युमिनियम फॉइल हो जाते हैं। तो हमारा एम ये है कि हम सारे प्लास्टिक को जो भी नॉन बायोडिग्रेडेबल सामान है और जिससे फिशेज को, मरीन लाइफ को और इन्वायरमेंट को अफेक्ट हो रहे हैं वो सबको हम हटा दें, बिल्कुल एलिमिनेट कर दें। हमारा ये नया पेपर है जिसे स्ट्रीट सीलेबल पेपर है, इसमें आप अपना फ्रूट्स और वेजिटेबल रख के अगर आप इसको प्रेस मारोगे या फिर हीट सीलर से सील करके पैकेट्स में रख सकते हो फ्रिज में, और 15 डेज तक आपकी शेल्फ लाइफ और फिर फ्रूट्स वेजिटेबल इंक्रीज हो जाएगी। इससे फार्मर्स को इतना बेनिफिट हो सकता है क्योंकि उनकी जो फसलें हैं वो उसकी शेल्फ लाइफ इतनी एक्सटेंड हो जाएगी, जो फूड वेस्टेज है हमारी कंट्री में वो कम हो जाएगी। इसके अलावा हमने यहाँ पे प्लास्टिक स्ट्रॉज के बारे में आपने सुना होगा,
लगाई है इंटरनेशनल पोल्ट्री डेयरी लाइफ स्टॉक एक्सपो। इसका मकसद सिर्फ ये है कि जो यहाँ के नॉर्थ इंडिया के फार्मर्स हैं, मिलर डिस्ट्रीब्यूटर हैं जो पोल्ट्री डेयरी लाइफ स्टॉक में काम करते हैं, उनको अपग्रेड करना, उनको नॉलेज देना कि नई नई टेक्नोलॉजी क्या वो अपना सकते हैं जिससे वो अपनी फार्मिंग में निरंतर बेहतर व्यवसाय बना सकते हैं। इसलिए एग्जीबिशन लगाया गया है। 3 दिन का ये एग्जीबिशन है, 9, 10 और 11 अगस्त को ये लग रहा है। आज इसका थर्ड डे है जो सुबह 10 बजे से शाम को 5 बजे से चलेगा और ये नई अनाज मंडी करनाल में लगाया गया है जी। कितने किसान आए हैं 3 दिन में? तकरीबन आज का तो अभी शुरू हुआ है और पिछले 2 दिन के अंदर यहाँ पर 3,000 से ज़्यादा किसान आ चुके हैं जो कि हरियाणा, पंजाब, यूपी, हिमाचल, जम्मू, उत्तराखंड, पूरे भारत से यहाँ पर है। मध्य प्रदेश से लोग आए हैं, छत्तीसगढ़ से, महाराष्ट्र से, हैदराबाद से, पूरे भारत से यहाँ पर लोग आए हैं। क्या क्या प्रदर्शित किया गया यहाँ पर? आप मैं अगर आपको बताऊँ कि जो फीड है, फीड सप्लीमेंट्स है, फीड मैन्युफैक्चरिंग मशीनें हैं, उसके अलावा दवाइयाँ हैं और इक्विपमेंट्स हैं, जो जो फार्मिंग का इक्विपमेंट रखता है वो सारी चीज़ें यहाँ प्रदर्शित की गई हैं। ऐसी प्रदर्शनी में क्या फ़ायदा है आम किसान को? ऐसी प्रदर्शनी में आम किसान को ये फ़ायदा है कि वो बहकावे में आने से बचता है, जो उसको कहीं भी किसी भी अगर देखा देखते जो कुछ करना चाहता है उसको नॉलेज ही नहीं है उस चीज़ की, वो यहाँ कोई भी अपने फार्म पे कोई भी पशु के लिए कुछ भी करना चाहता है तो यहाँ से जानकारी ले सकता है कि कैसे वो अपने फार्म को बेहतर बनाता है। देने की है तो आप उस तरह की प्रदर्शनियाँ लगाते रहते हैं? ये हम पिछले 8 सालों से इसको भारत वर्ष के अलग अलग स्टेट में लगा रहे हैं। राजस्थान हरियाणा में है तो हमें उम्मीद है कि हर साल हम इसको हरियाणा या पंजाब के अलग अलग शहरों में लगाएंगे। करनाल में जो 3 दिन की लगाई है, क्या कुछ इनकम हुई है आपकी? क्या कुछ इनकम? तो ये फ्री है विजिटर्स के लिए, फ्री सर्विस है ये, उनसे कोई चार्ज नहीं किया जा रहा है, बाकी ठीक अपना खर्चा पूरा हो रहा है। आम लोगों को क्या कहेंगे? आम लोगों को ये कहेंगे कि अपने फार्मिंग को अपना एक ब्रांड बनाओ, अपने ब्रांड से चीज़ को बेचो, तब आप बेहतर व्यवसाय बना सकते हो। नई टेक्नोलॉजी अपनाओ, नई नई नॉलेज लो कि क्या क्या यूज़ करके वो अपने एक फार्मिंग को जो सेकेंडरी बिजनेस होता था उसको प्राइमरी बनाए और एक अच्छा ब्रांड बनाए। फायदे आम किसान को? सर हम अभी क्या फीड मशीनरी में एंटर किया सर हमने फीड मिल इंडस्ट्री में और हम पूरा क्वालिटी कंसर्न जो पर्सन है उनके लिए और क्वालिटी फीड बनाने के लिए जो मशीनें हैं वो लेके आए सर मार्केट के अंदर। जैसे कि हम आप देख रहे हैं सर आप हमें एलिमेंटर भी जो है हम जी आई के देते हैं सर, कैलमेट शीट्स के एलिमेंटर्स होते हैं, केमिकल कोटेड होते हैं जिनकी लॉन्ग लाइफ होती है, MS के एलिमेंटर्स की लाइफ जैसे कम होती है और जल्दी जंग लग जाता है और स्कूल जल्दी होते हैं, बर्मे होते हैं, जल्दी घी जाते हैं, हमारे एलिमेंटर में प्रॉब्लम नहीं आती, पावर कनेक्शन भी कम है, लाइफ भी ज़्यादा है। और ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर बेल आइकन को दबाएं।